सीयू शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो चैनलिंग है वो स्पेशली DF के लिए है, और ये दो तरह की एनर्जी है। पहली एनर्जी जिन DF की है, उनके थ्रोट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है, वैसे DF को व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ऐसे DF ड्रीम में एरोप्लेन या खुद को उड़ते हुए देख सकती हैं। अगर आपको ऐसे कोई ड्रीम आता है तो इसका मतलब है कि आपके थ्रोट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है अभी। वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने खुद को या किसी और को भी देख सकते हैं। अगर आपको पानी दिखे, साफ पानी दिखे या मछली दिखे, तो इसका मतलब है आपके थ्रोट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर ड्रीम में किसी को गंदा पानी दिखे, जैसे कि आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर से डर्टी पानी बाहर निकल रहा है, या किसी नाली को देखना, ऐसे जो ड्रीम है वो तब आते हैं जब एक DF के लोअर चक्रा की क्लिंजिंग चल रही होती है। और जब आपको साफ पानी दिखता है या नदी का पानी दिखता है तो आपके अपर चक्रा की क्लिंजिंग हो रही होती है। तो हम बात कर रहे थे पहली तरह की एनर्जी जिन DF की है, उनकी थ्रोट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखे या ड्रीम आए तो आप समझ जाना ये आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। फिजिकल साइन में आपको आपके कंधे में या कान में, गले के आसपास दर्द हो सकता है, आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो सकती है, या मेडिटेशन करते समय या ऐसे भी अगर आपको फील हो जैसे कि आपके कान में कुछ गर्म सा लगे, तो आपकी ये थ्रोट चक्र की एनर्जी है और आपके थ्रोट चक्र की क्लिंजिंग चल रही है। अब बात करते हैं सेकेंड एनर्जी की, जिसमें वो DF होंगी जिनके सोलर प्लेक्सस चक्र के क्लिंजिंग हो रही है। ऐसे DF को येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा ड्रीम में भी येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या येलो कलर की कोई चीज़ दिख सकती है। ड्रीम में आपको मैंगो येलो कलर में दिख सकता है। आपको केक के सपने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। मेरी सोलर प्लेक्सस चक्रा की जब क्लिंजिंग हो रही थी तो मुझे केक के सपने बहुत ज़्यादा दिखते थे, वैसे केक से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा दिखते थे। तो ऐसा कोई भी ड्रीम अगर आपको आता है तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। ये तो हुई स्पिरिचुअल साइन की बात। अब मैं आपको फिजिकल साइन के बारे में बताती हूँ कि जब एक DF की सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लिंजिंग होती है तो उसे फिजिकल साइंस क्या मिल रहे होंगे। अभी अगर आपको मेडिटेशन करते समय या ड्रीम में या नींद में भी अचानक से आपको डर लगता है तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। जिसकी सोलर चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है वो DF रात में ज़्यादा सो नहीं पा रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे अचानक से एनर्जी का फ्लो बढ़ गया हो, बहुत बेचैनी सी हो रही हो। अगर आपको आधी रात के बाद नींद आए, आप उससे पहले नहीं सो पा रहे, आपको बहुत गर्मी लगती है अचानक से, तो इसका यही मतलब है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लिंजिंग एकदम पीक पे है। आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा होगा और भूख बहुत ही कम लग रहा होगा, तो ये सभी साइन हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के क्लिंजिंग की। तो DF अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करे तो आप समझ लीजिएगा, अभी रेजोनेट नहीं हुआ तो 4 से 5 दिन के बाद भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि कोई भी एनर्जी 1 वीक से कम की नहीं होती। तो आप सभी को मेरा यही एडवाइस है कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहें। जो पहली एनर्जी में है वो थ्रोट चक्रा पर ज़्यादा फोकस्ड रहें, और जिनकी दूसरी एनर्जी है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा पर ज़्यादा फोकस करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।